हमको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन जब उसके विपरीत हमको मिलता है तो हमें क्रोध आता है। हमें यह समझे रहना चाहिए कि प्रत्येक जीव के अंदर माया के तीन गुण हैं, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वीः प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहात्ये नाम भुक्त भोगा मजोन्य। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र। प्रत्येक जीव में तीन गुण सदा रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं तीन गुणों के कारण किसी की किसी से पटती नहीं, कोई किसी के अनुकूल नहीं रह पाता। तो अगर हम ये समझे रहेंगे कि संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, तो फिर अगर कोई हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, विपरीत उल्टा व्यवहार करता है, तो हमको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हम इस इंडियन फिलॉसफी पर ध्यान नहीं देते और ये आशा लगा लेते हैं जैसा हम चाहते हैं हमारे घर वाले वैसा ही करेंगे, वैसा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं सब लोग हमारी बात माने, सब सदा हमारे अनुकूल रहें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो क्रोध का वातावरण मिलने पर भी क्रोध न आए।